गुलबर्गा शहर में आए दिन आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देख साजिद कल्याणी ने 15 अक्टूबर को कॉरपोरेशन ऑफिस को लॉक कर एहतजाज करने का बड़ा ऐलान किया है। जैसे कि आप जानते हैं, गुलबर्गा शहर में हर आए दिन आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है और ना ही कुत्तों का सफाया हो रहा है और ना ही कुत्तों का शिकार हुए लोगों को कंपनसेशन दिया जा रहा है। आज से एक साल पहले शहर के मिजबा नगर में एक मासूम लड़की पर आवारा कुत्तों ने हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इस हादसे के बाद कॉरपोरेटर साजिद कल्याणी के साथ कॉरपोरेटर इरफाना परवीन खालिद अहमद ने भी मिलकर जीबी मीटिंग के दौरान एहतजाज कर आवारा कुत्तों का सफाया कर लड़की को 5 लाख रुपया कंपनसेशन देने का मुतालबा किया था। इस एहतजाज को देख जीबी मीटिंग के दौरान मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर जिम्मेदारों ने 5 लाख रुपया कंपनसेशन देने का वादा करते हुए रेजोल्यूशन भी पास कर दिया था। पर अफसोस, आज एक साल गुजर गया पर 5 लाख रुपया तो दूर 5 रुपया भी नहीं मिला है। साजिद कल्याणी ने हाल ही में हुए मेयर इलेक्शन के दौरान भी एहतजाज कर नाराजगी जाहिर की थी और इस वक्त साउथ एमएलए आलम प्रभु पाटिल ने भी कंपनसेशन दिलाने का वादा किया था। लगातार झूठे वादे और कंपनसेशन ना देने पर साजिद कल्याणी ने 15 अक्टूबर को कॉरपोरेशन ऑफिस को लॉक कर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। साजिद कल्याणी ने कहा, इन्हें जेल भी जाना पड़े तो कोई गम नहीं, पर ये आवारा कुत्तों का शिकार हुई लड़की को कंपनसेशन दिलाकर रहेंगे। शहर में आवारा कुत्तों का शिकार हुई फैमिलीज को भी 15 अक्टूबर को होने वाले एहतजाज का हिस्सा बनने की गुजारिश की गई है और साथ ही दीगर तमाम पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों से भी एहतजाज में शिरकत करने की गुजारिश की गई है। मजीद साजिद कल्याणी ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि गुलबर्गे का बर्निंग इशू जो स्ट्रीट डॉग को लेके है, हम आए दिन कई एनजीओस और कॉरपोरेटर्स ने प्रोटेस्ट किया, उसके बावजूद भी गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। पिछली बार जो 26 सितंबर 2023 में जो इंसिडेंट हुआ था मिसबा नगर में, जो मासूम लड़की 6 साल सफूरा कुलसुम, इंसिडेंट होने के बाद में सीरियस इंजरी हुई थी, उसके बाद में यूनाइटेड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। मोस्टली मैं समझते हैं 15 डेज के बाद में डिस्चार्ज हुआ है, दो सर्जरी होने के बाद में। तब जब इंसिडेंट हुआ था 23 को, उसके बाद में 24 को जीबी मीटिंग रखा गया था, जब हमारे मेयर साहब थे विशाल दरगी साहब, तब मेयर साहब, कमिश्नर साहब और पूरा टाउन हॉल ने आश्वासन दिया था कि बच्ची को कंपनसेशन देंगे बोल के। 5 लाख रुपीस कंपनसेशन देने के बाद पूरे टाउन हॉल में बात की गई थी, पूरे कॉरपोरेटर्स भी साथ में थे। उसके बावजूद आज पूरे कंप्लीट 1 ईयर हो के चले गए, उसके बावजूद भी उनको, लड़की को कंपनसेशन नहीं दिया गया। और इसके अलावा बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं गुलबर्गा शहर में, जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो 5000 रुपीज़ देने का था वो भी नहीं मिल रहे और न काम हो रहा है गुलबर्गा शहर। मैं तमाम मेरे कलीग्स कॉरपोरेटर्स और तमाम आवाम को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 15 अक्टूबर को मैं कॉरपोरेशन ऑफिस को लॉक डालने वाला हूँ और तमाम आप लोगों की ज़रूरत है, और जिसको भी अगर इंसिडेंट्स हैं, जिसके पास एरिया में भी इंसिडेंट्स हैं, जिसके पास भी डॉग्स ज़्यादा है, मैं समझता हूँ हर एरिया में हर वार्ड में डॉग्स इशू हर दिन आते हैं और डॉग्स बाइट कंटिन्यू रेगुलर हो रहे हैं, मैं तमाम कॉरपोरेटर्स को और आवाम को भी और एनजीओस को जो भी सोशल वर्क करते हैं उनको भी मैं एक मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि जब तक हम बाहर नहीं निकलते ये एडमिनिस्ट्रेशन उठने वाला नहीं है। मैं तमाम आवाम को और एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम एनजीओस को और मेरे कलीग कॉरपोरेटर्स को सबको ये कहना चाहता हूँ कि टॉल हॉल कॉरपोरेशन के सामने हम धरना देंगे लॉक डाल के, देखेंगे इंशाल्लाह। अब तब भी नहीं करते, बात की बात है, देखेंगे क्या कर सकते हैं। कमिश्नर साहब कुछ काम में एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, अब क्योंकि आज मेरे वार्ड में हुआ, कल आपके वार्ड में होता है, कई 100 वार्ड्स में हो रहा है। आप लोग सब जो भी ज़रूरतमंद है, जिसको भी तकलीफ है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आइए, जब तक हम रोड पे नहीं निकलते, जब तक हम बाहर नहीं निकलते ये एडमिनिस्ट्रेशन उठने वाला नहीं है। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 15 अक्टूबर कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने आइए, इंशाल्लाह बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह इसके खिलाफ, या गुलबर्गे में स्ट्रीट डॉग्स क्लियर होना या तो हम जेल जाना। देखो, जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन आते गया, चाहे कौन सा भी वार्ड रहें, चाहे मेरा रहें, चाहे गुलबर्गा शहर में कौन सा भी वार्ड रहें, कॉरपोरेटर्स इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जाके जो भी ट्रीटमेंट है उसके लिए कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और लास्ट में इवन तो 5000 के लिए भी लड़ रहे हैं सब लोग, तो 5000 भी नहीं मिल रहे हैं अभी तक। और है सवाल, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद में कई वीडियोस भी आए हैं, उसके अंदर सोशल मीडिया वाले भी उसमें ऊपर जाके वर्क किए हैं, इंजेक्शन जो देते हैं डॉग बाइट करने के बाद में वो इंजेक्शन भी नहीं थे, कि क्या है, लापरवाही कितनी है एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं ये बताना चाहता हूँ।
हम इतना लड़के, हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स लड़के, मेरे साथ कलीग मेरे कॉर्पोरेटर खालिद अहमद जो साथ में थे, और सर्कल साहब हमारे को इतना सपोर्ट करने के बाद में, मेयर साहब इतना सपोर्ट करने के बाद में, जब जाके एक मासूम बच्ची की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जो गुलबर्गा शहर में भी है, गुलबर्गे के बाहर भी हो रहे हैं। इसको रुकाने के लिए हम लोग बाहर निकलना पड़ता। मैं इसलिए सबको बोल रहा हूँ कि आइए बाहर, इंशाल्लाह जो भी जिसके भी पैसे भी अब नहीं मिले हैं वो लोग भी आइए, सब हमारा हक है, मांगना है, लेंगे, लड़के लेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं टैक्स के मामले में बात बताना चाहता हूँ। हमारा राइट्स है, हमारा ये है कि टैक्स हम जब वर्क करते हैं, जो भी हमारी शॉप्स है, हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो उसका टैक्स तो देना पड़ेगा। टैक्स अगर नहीं देंगे तो फिर ये ऐसे इश्यूज़ को, ऐसे काम को कैसा वर्क करना पड़ेगा। अब जैसा लेबर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे बैठे हैं कि उनको पेमेंट्स भी नहीं हुआ है, उनका बहुत सारे इश्यूज है, 4-4, 6-6 मंथ, 8-8 मंथ्स का उनका पेमेंट्स नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं हो रहा है। आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि टैक्स भी आप लोग भरिए। तमाम टैक्स पेयर को बोलना चाहता हूँ कि जो हाउसिंग का भी है उसका भी टैक्स भरिए, जो कमर्शियल है उसका भी टैक्स भरिए। अब रहा सवाल दूसरा, जो डॉग बाइट का, अब उन्होंने लॉक डाल रहे हैं कॉरपोरेशन वाले, टैक्स नहीं दिए के बाद में हम भी लॉक डालेंगे, आइए साथ दीजिए सब जने मिल। वो टाइमिंग तो नहीं बोलूँगा मगर मैं लॉक करना है, अगर वो टाइम अगर मैं लॉक करने का बोलूँगा तो उससे पहले सब लोग रेडी रहते, जाने नहीं देंगे। मैं कभी भी डाल सकता हूँ 15th के दिन मॉर्निंग, सुबह 5 बजे भी आ सकता हूँ, 9 बजे भी आ सकता हूँ, 10 बजे भी आ सकता हूँ। मैं तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अगर आप तक बात अगर आ रही है इसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करिए। जो सफोरा कुलसुम है लड़की, जो 5 लाख रुपीज़ कंपोजिशन देने की बात की गई थी, उनको पहुँचाइए। और गुलबर्गा शहर के लिए क्या काम कर रहे हैं आप लोग, इतने बड़े बड़े अहदे पे है, IAS है, KS है, बहुत सारे हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स हैं, गुलबर्गा शहर के लिए क्या काम करें ये बताइए। बताते हैं ये मॉडल सिटी बनाते हैं, कैसा मॉडल सिटी बनता, इतने इश्यूज हो रहे हैं डॉग बॉयज पे, डॉग्स को कम नहीं कर सकते तो मॉडल सिटी कैसा बनाएंगे। और रहा दूसरा बात, मैं बता रहा हूँ पिछले 3 साल में डेवलपमेंट लेके कुछ भी नहीं हुआ, हमारे को कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ भी हेल्प नहीं हुई। इवन दो एक ट्रिप अगर हमको जहाँ पे गड़ा है वहाँ पे डालना है मुरुम डालने के लिए या डामर प्लान करना है तो वो भी नहीं हुआ अभी हमारे। हम पूरे कलीग्स मेरे कॉरपोरेटर सब लोग यही परेशान है, काम नहीं हो रहा है। तो काम नहीं हो रहा है तो क्यों चेयर पे बैठे, क्यों अंदर ऑफिस चालू कर रहे हैं। देखिए साहब, देखिए ये तकलीफ मेरी एक ही नहीं है, पूरे गुलबर्गा शहर की तकलीफ है, पूरे 55 कॉरपोरेटर्स की भी तकलीफ है। जिसको भी तकलीफ है वो लोग आ सकते हैं, जिसको तकलीफ नहीं है वो नहीं आ सकता, कोई सीधी सी बात है। और मैं आवाम को भी बात कर बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी आइए, जिसको भी तकलीफ है, जिसके पास भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिसको भी डर है, एक एक झुंड में 20-20 डॉग्स निकलते हैं। हमारे बच्चे स्कूल को जाने के लिए डर रहे हैं, हमारे बच्चे मस्जिद को जाने के लिए डर रहे हैं, हमारे बच्चे मंदिर को जाने के लिए डर रहे हैं, सुबह सुबह जाने के लिए तकलीफ है। कई ऐसे हैं जो डॉग्स को डर के बच्चों को स्कूल तक ले जाके छोड़ रहे हैं। और मैं तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो सुन रहे हैं और जिसको मालूम हुआ है वो लोग 15 अक्टूबर को आइए, इंशाल्लाह कॉर्पोरेशन के सामने हम बैठेंगे, गुलबर्गा शहर में एक मैसेज देना है, क्योंकि आज मेरे पास हुआ है कल आपके पास नहीं होना है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, और मेरी जो भी मेरी जिम्मेदारी थी मैं पूरी निभा रहा हूँ, बस आप लोगों का साथ होना है। आप आइए, कलीग कॉर्पोरेटर्स मेरे पूरे हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आइए। आज मेरे पास हुआ तो कल आपके पास भी हो सकता है। मेरी जिम्मेदारी जितनी थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं निभा रहा हूँ, आप लोग भी आना चाहिए, क्योंकि एक से दो है तो इंशाल्लाह ताकत बढ़ती है और ऊपर तक मैसेज मिलता है। इंशाल्लाह गुलबर्गा शहर को गुलबर्गा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब हम लोग को बाहर ही निकलना